Hi everyone, hope you all must be doing great and you are practicing your questions as well. Let's start with question number 20. And the students who are watching this video for the first time, please refer the description and download the question file. Question number 20 baatein karta hai medical allowances ki aur medical facilities ki. सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं. मेडिकल अलाउंसेस एक कैश कंपोनेंट होता है जो एम्प्लॉय को सैलरी के साथ दिया जाता है. जैसे बाकी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है. इसका एंड यूज नहीं देखा जाता. हर मंथ की सैलरी के साथ एक फिक्स पोर्शन आपको कैश कंपोनेंट के तौर पर मिल जाता है. एंड मेडिकल अलाउंसेस आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल. एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर बीमार हुए या नहीं हुए ये नहीं पूछा जाता. अलाउंसेस हर मंथ दे दिया जाता है. इट इज़ ऑलवेज फुली टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट. इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल अलाउंस. सेकेंड बातें करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की. मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब होता है एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर अगर मेडिकली सिक होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है किसी हॉस्पिटल में, तो अगर एम्प्लॉयर उसके ऊपर कुछ खर्चा करता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. वो परक्यूजिट्स है, दैट इज़ नॉट अलाउंस. बीमार पड़े उसके ऊपर खर्चा किया गया, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटीज. कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ एग्जेम्प्ट होती हैं, बाकी सभी टैक्सेबल होंगी. आई एम रिपीटिंग, सम काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आर फुली एग्जेम्प्ट, अदर्स आर टैक्सेबल. एग्जेम्प्ट कौन कौन सी होती हैं? अगर एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आएगा? खुद एम्प्लॉय प्लस उसके स्पाउस और उसके बच्चे, दैट इज चिल्ड्रन, एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आई एम रिपीटिंग, फैमिली मेंबर्स हेयर मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, एंड ब्रदर एंड सिस्टर एंड पेरेंट्स इफ डिपेंडेंट. अगर इनके अलावा किसी का ट्रीटमेंट होगा तो हमेशा फुली टैक्सेबल होगा. तो एग्जेम्प्ट के बारे में देख लेते हैं. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट होगा. अगर एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है तो भी एग्जेम्प्ट होगा. दो चीज़ें डिस्कस करी है अभी मैंने. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल में. थर्ड होता है अगर प्रिस्क्राइब डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है ना प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल. ये प्रिस्क्राइब डिजीज़ क्या होती हैं? HIV, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कैंसर, यानी कि लाइफ टेकिंग डिजीज़. ऐसी डिजीज़ का अगर ट्रीटमेंट हो रहा है प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल. प्रिस्क्राइब्ड बाय होम? कमिश्नर ऑफ, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अगर इन लोगों ने ये कुछ हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब करे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, प्रिस्क्राइब्ड डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. यानी कि तीन तरह के हॉस्पिटल हो जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल और प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीज़. इसके अलावा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा है तो टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब अगर फैमिली मेंबर का इलाज होता है किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ पर, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा. तीसरी बातें करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर एम्प्लॉयर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आई एम नॉट सेइंग लाइफ इंश्योरेंस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ मेडिकल इंश्योरेंस. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. मेडिकल इंश्योरेंस बोले, हेल्थ इंश्योरेंस बोले या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बोले, बात एक ही है. अगर इंश्योरेंस कराता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का या उसके फैमिली मेंबर्स का, अगेन इट इज़ अ टैक्स फ्री परक्यूजिट, इट इज़ एग्जेम्प्ट. इसके ऊपर एम्प्लॉई को टैक्स नहीं देना है. हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं देना है. लास्ट बातें करते हैं अगर फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट हो रहा है आउटसाइड इंडिया. अगर पेशेंट बाहर जाता है तो तीन तरह के खर्चे होते हैं. वन इज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, सेकंड इज स्टेइंग. स्टेइंग कौन कौन करेगा? पेशेंट स्टे करेगा प्लस वन अटेंडेंट. अगर एक से ज़्यादा अटेंडेंट कर रहे हैं तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा. ओनली वन अटेंडेंट कैन अकंपनी द पेशेंट एंड ट्रैवलिंग का खर्चा. तीन तरह के खर्चे हो गए, मेडिकल ट्रीटमेंट के, स्टे करने का और ट्रैवलिंग का खर्चा. दो खर्चे जो शुरू में बातें करी थी, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे का खर्चा अलाउड होता है अप टू RBI लिमिट. आई एम रिपीटिंग, अगर RBI लिमिट 2 लाख रुपए की है या 3 लाख रुपए की है, यहाँ तक के खर्चे अगर एम्प्लॉयर ने करे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. इससे ज़्यादा के खर्चे करे हैं तो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे. ट्रैवलिंग का खर्चा डिपेंड करता है SSC के GTI पर. अगर SSC का GTI 2 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर जाता है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फुली टैक्सेबल. We are discussing about medical treatment being performed outside India. तो ट्रैवलिंग का खर्चा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर
एसएससी का जीटीआई 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, 2 लाख रुपए तक अगर एसएससी का जीटीआई है या उससे कम है तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं जो कहता है, मिस रश्मि इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। शी रिसीव्स द फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी। फर्स्ट इज रीइंबर्समेंट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंसेस। किसी भी तरह का रीइंबर्समेंट हुआ, देखते हैं किस किस चीज़ पर हुआ है। फर्स्ट उनके डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर फैमिली मेंबर में इंक्लूडेड तो हैं बट प्राइवेट क्लिनिक में हुआ है, फुली टैक्सेबल। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हरसेल्फ बाय अ फैमिली डॉक्टर, अगेन फुली टैक्सेबल। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन हर मदर इन लॉ, तो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आती है, इनके लिए तो हमेशा फुली टैक्सेबल रहेगा, चाहे मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट हुआ हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल में भी, बिकॉज शी इज़ नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, देयरफॉर फुली टैक्सेबल। सेकंड पॉइंट में बोला है मेडिकल क्लेम पॉलिसी का पैसा दिया है, इट इज़ फुली एग्जेम्प्ट, अभी हमने डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट में मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस इज अ कैश कंपोनेंट, अगेन फुली टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट सेज मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, सन जो कि फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं इसीलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिक्स पॉइंट मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अर माइनर सन अब्रॉड 1,05,000, 1,05,000 ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हैं, आरबीआई की लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, प्लस स्टेइंग के भी देखने पड़ेंगे। सिक्स पॉइंट में गिवन है एक्सपेंसेस रिलेशन टू फॉरेन ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड 1,20,000। अब यहाँ पर अलग अलग एक्सपेंसेस बायफरकेट करके नहीं दिखाए हैं कि कितना स्टे पर खर्चा हुआ है और कितना ट्रैवलिंग पर खर्चा हुआ है, तो यहाँ पर हमें अजम्पशन देनी पड़ेगी। लास्ट में लिखा है लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर दिस इज 2 लाख, तो यहाँ पर हमारी अजम्पशन जाएगी कि 2 लाख की लिमिट है जो कि स्टे की और मेडिकल ट्रीटमेंट की थी, और ट्रैवलिंग के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग अजम्पशन कर सकते हैं कि 1,05,000 प्लस 1,20,000 ये तीनों चीज़ का खर्चा है, इसमें से स्टेइंग का और मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा 2 लाख रुपए से कम ही होगा, इसीलिए उसको आप फुली एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और जितना भी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो डिपेंड करता है एसएससी के जीटीआई पर। एसएससी का जीटीआई क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप सिर्फ यहाँ पर नोट लिखेंगे कि अगर एसएससी का जीटीआई 2 लाख रुपए से एक्सीड कर जाता है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी टैक्सेबल हो जाएंगे। आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आप 3 कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ पर्टिकुलर्स कि आपको क्या क्या चीज़ें या फैसिलिटीज़ या अलाउंसेस मिले हैं, सेकंड इज़ अमाउंट कितने अमाउंट के मिले हैं, एंड थर्ड इज़ योर मेन आंसर जहाँ पर आप बताएंगे कि टैक्सेबिलिटी आप इसकी किस तरीके से करेंगे। मैं इस वीडियो के बाद भी ये आंसर दे रहा हूँ, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और अपने क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।